सदर जरदारी साहब ने अपने तमाम आजा अतिया कर दिए हैं जो मरने के बाद काम आएंगे जी वकास। कितनी अच्छी बात है, हमारे शोबिज में वीना मलिक भी इसी जज्बे का इजहार कर चुकी है। मैं सदर जरदारी साहब की बात कर रही हूँ और तुम पीआरशिप करने लगे हो। हाँ, जरदारी साहब के फैसले की तकलीद हर सियासतदान को करनी चाहिए, मगर क्या सियासतदानों की आंखें और कान भी इस्तेमाल हो सकेंगे? क्यों, वो अपनी जिंदगी में तो इस्तेमाल करते नहीं है। वैसे कुछ हल्कों का ख्याल है कि जरदारी साहब अपनी जिंदगी में अपने अजा किसी और के फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर लें तो अच्छा होगा ना। काश, ब्रंच बातों का जी हमारा अगला सेगमेंट। बाहर थी हमारी फिल्मों की, अरे अब तो सिर्फ अदाकारा बाहर रह गई है। अरे वो भी हर फिल्म में माँ, जिस फिल्म इंडस्ट्री की अपनी माँ मर गई है। अरे और नहीं तो क्या, अरे देखो तो सही, हर तरफ इंडियन फिल्मों के पोस्टरों की बाहर है। अरे इंडियन चैनल्स ने पहले ही हमारे घरों पर कब्जा कर रखा है। अरे अब ये इंडियन फिल्में आ गई, रही सही झाड़ू फेरने। इंडिया में ना तो हमारी कोई फिल्म देखता है, ना ही वहां की गवर्नमेंट हमारा कोई चैनल देखने देती है। अरे पाकिस्तानियों, अरे अब तो जाग जाओ। मगर इस वक्त हमारी इंडस्ट्री में दो चार लड़कियां हाथ पांव मार रही हैं। अरे फिलहाल तो एक दूसरे को ही मार रही हैं। उन्हीं लड़कियों में से आज मैंने एक लड़की को अपने स्टूडियो में बुलाया है। अरे बन्नो रानी, अरे आ भी जाओ। कहीं मेकअप रूम का सारा मेकअप ही ना खत्म कर देना। अरे आ जाओ। अरे लो आ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे आज तो बहुत कुछ पहन रखा है बन्नो रानी ने। जी जी, टीवी की रिकॉर्डिंग थी ना। मेरा मतलब है बड़ी ढेर सारी ज्वेलरी पहन रखी है। अरे किसी सुनार से शादी तो नहीं कर ली? शादी नहीं नहीं, शादी तो मैंने अभी नहीं की। आए लड़की, अरे मेरा मतलब था कि अभी तुम्हारी स्ट्रगल है, अरे अभी शादी का ना सोचना। खैर, अरे तुम में समझ बूझ होती तो तुम फिल्म इंडस्ट्री का रुख ही क्यों करती? मैं समझी नहीं। अरे अच्छा ये नहीं समझी, अच्छा ये बताओ कि फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आई? अपनी गाड़ी पे आई हूँ, और बला रिक्शे पे आना था। अब ये ना कहना कि मुझे बचपन से ही शौक था, ये बताओ कि ये शौक अरे हुआ कैसे? नहीं जी, शौनक वौनक तो मुझे नहीं था। पता है, मुझे पता चला था यहाँ पे पैसे ढेर सारे मिलते हैं। और फिर क्या जी, यहाँ पे तो उल्टा दैतकार पैसे मांगते हैं, और तो और मिसालें भी देते हैं। कहते हैं फलानी हीरोइन ने पैसे दिए थे तो वो इतनी सुपरस्टार बन गई, और फलानी ने नहीं दिए, देखो कहाँ पे है। अरे सच सच बताओ, अरे कहीं ये सारी बातें हिट होने के लिए तो नहीं कर रही चलाको? ये बताओ कि अब तक कितनी ऑफर्स हुई? ऑफरें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन फिल्में इनमें कम है। बच्चों, शादी की ऑफरें हो रही हैं। अच्छा ये बताओ कि आजकल कहाँ रह रही हो? मैं ना पहले सांदे में रहती थी, अब मैंने डिफेंस में घर ले लिया है। हाय, अरे घर ले लिया? अरे अभी तो एक फिल्म भी हिट नहीं हुई, अरे घर कैसे ले लिया डिफेंस में? आपको नहीं पता, जिनके घर डिफेंस में होते हैं ना, उनकी फिल्में हिट हो जाती है। बहुत चालाक बच्ची है। अच्छा ये बताओ कि हमारे यहाँ गुजरों पे इतनी फिल्में बनी और अभी भी बन रही हैं। ग्रेजुएट गुजर, काला गुजर, पीला गुजर, जिद्दी गुजर। अरे मेरा भी दिल करता है कि एक फिल्म मैं भी बनाऊं, आखिरी गुजर। मुझे क्या कह रही है जी, मैंने तो नहीं बनाई ये फिल्में। अच्छा ये बताओ कि कभी डायरेक्शन का ख्याल आया? हाँ जी। अरे तो फिर की? नहीं जी, ख्याल आया तो इसीलिए नहीं की, अल्लाह करे जो डायरेक्शन दे रहे हैं उन्हें ख्याल आ जाए बस। बहुत गहरी बातें करती हो। अच्छा ये बताओ कि फिल्में देखती हो? क्यों, मेरी आंखें नहीं है? आई बनो, कभी जमहूरियत का नाम सुना? ये कोई नवी फिल्म है? हाँ बहन, है तो फिल्म मगर फ्लॉप। अरे इसकी कास्ट भी घिसी पिटी है। नए चेहरे नहीं आ रहे ना। सच्ची? अरे मेरी भोली गाय, अरे अपनी कोई कमजोरी तो बताओ। पता है क्या, मैं 3 टाइम पेट भर के रोटी खाती हूँ, भला मुझे क्या कमजोरी होनी है? आए, आए, अरे मैं तुम्हारे वीक पॉइंट की बात कर रही हूँ। वीक पॉइंट? आए
मुझे पिंडी पॉइंट बहुत पसंद है। आप कभी मरी गई हैं? अरे बहुत चालाक बच्ची है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी पहली फिल्म का रिस्पांस कैसा था? ऐसा फिल्म जब स्टार्ट हुई सिनेमा में तो लोगों के मुंह खुले रह गए। अरे इतने ढेर सारे लोगों के एक साथ जमाई कैसे आ गई? अच्छा ये बताओ कि बाहर से कोई ऑफर आई? हाँ जी, हॉलीवुड से। हाय, अरे ये हॉलीवुड वाले बावले हो गए हैं क्या? अरे सच सच बताओ। सच कह रही हूँ जी, मेरे ना कजन का वहाँ पे टेक होए है। हाँ, टेक होए? हाँ जी, उसने पता है मुझे ऑफर कराई थी, मुझे कहते हैं बिल्लो तू मेरे से शादी कर ले। अरे बन्नो, मैं फिल्मों की बात कर रही हूँ। हाँ जी, इस शादी की फिल्म भी तो बननी थी। ये बताओ कि तुम्हारी कोई हॉबी है? मैं जी तस्वीरें इकट्ठी करती हूँ कायदे आजम जी की। माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे कितनी मोहब्बे वतन बच्ची है। ये बताओ कितनी जमा की? जितने नोट हैं जी उतनी। अरे अच्छा ये बताओ कि किसी सीनियर अदाकारा की जगह लेना पसंद करोगी तुम? लो जी, मेरे पास अपनी दो किनार जगह है, मैं क्यों लूंगी किसी की जगह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बन्नो मेरी तो दुआ है कि तुम बहुत कामयाब हो। तुम तो मेरी दुआ के बगैर भी कामयाब हो जाओगी। अरे डायरेक्टर साहब बस बहुत हो गया, कट कर दे यहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह।